आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। जैसा कि हमने सॉल्यूशन पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह का कोलाइडल होता है। कोलाइडल और सॉल्यूशन में सिर्फ उसके पार्टिकल के, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ध्यान से समझिएगा, कोलाइडल किसे कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल, ओके, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो होना चाहिए 10^-9 m to 10^-7 m के बीच में होना चाहिए। ध्यान से समझिए, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, 10^-9 m से लेके 10^-7 m के बीच में। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें तो ये हो सकता है 1 nm से लेकर के 100 nm के बीच में। एक तरीके से और मेजर कर सकते हैं इस एंगस्ट्रम में, ये वैल्यू हो सकता है 10 angstrom से 100 angstrom के बीच में। ओके, एक बार फिर से समझते हैं, कोलाइडल किसे कहते हैं। कोलाइडल ऐसा सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, 10^-9 m से लेकर 10^-7 m के बीच में हो सकता है। अदर यूनिट में बात करें तो 1 nm से 100 nm के बीच में होना चाहिए और 10 angstrom से 100 angstrom के बीच में अगर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है तो हम उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं या कोलाइडल कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के सेंस में एक बात हमें समझना और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन, ओके, और हमको समझना है अब कोलाइडल। कोलाइडल, कोलाइडल और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, ओके, और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, ओके। तो इसका सिर्फ नाम बदलता है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन के केस में जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं, कोलाइडल के सेंस में इसका नाम बदल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स फेस, ओके। और जो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है कोलाइडल में, उसी का नाम बदल के हो जाता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझिए। फिर से एक बार देखते हैं, कोलाइडल और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन में जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, कोलाइडल में उसी चीज का नाम डिस्पर्स फेस होता है। सॉल्यूशन में जिसका नाम सॉल्वेंट होता है, हम लोग उसी को डिस्पर्सन मीडियम कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, कोलाइडल में जो कम मात्रा में होता है उसे डिस्पर्स फेस कहते हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। जैसा हमने सॉल्यूशन के केस में पढ़ा है, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से कह सकते हैं, डिस्पर्स फेस किसको कहते हैं, कोलाइडल का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में हो, कोलाइडल का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ओके।